नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे बैंकॉक ब्रेकिंग के बारे में। ये सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे आई है। ये एक थाई सीरीज़ है लेकिन इंग्लिश ऑडियो और सबटाइटल्स के साथ आप इसको देख सकते हैं। यहाँ कहानी है वॉन्चाई की। वॉन्चाई अपने शहर से बैंकॉक आया है। यहाँ उसका भाई जो पहले से रहता है और वॉन्चाई एक नौकरी की तलाश यहाँ आकर के करना चाहता है, लेकिन अभी वो बस अड्डे पे उतरा ही था कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट वहाँ हो जाता है और वो ये देखता है कि एक स्पोर्ट्स कार से उसका भाई जो किसी तरह से बाहर निकल रहा है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब वॉन्चाई परेशान हो जाता है, ये सोचता है कि आखिर इतनी महंगी गाड़ी उसके पास कहाँ से आई, उसके भाई के पास, और फिर ये सोचता है कि आखिर वो उस गाड़ी में कर क्या रहा था, क्योंकि वो ये देखता है कि एक और आदमी उस गाड़ी में था जो कि निकल करके भाग चुका है। फिर उसे याद आता है कि उसके भाई ने एक मैसेज किया था कि वो मुसीबत में है और उसे मदद की ज़रूरत है। अब वॉन्चाई को ये लगता है कि ये एक्सीडेंट उसके भाई ने नहीं किया है और इसके पीछे कुछ और बात है, और सच की तलाश करने के लिए वो निकल पड़ता है। तो दोस्तों इसी तरह की कहानी आप यहाँ देखते हैं। दोस्तों यहाँ कहानी में कोई नयापन नहीं है, हालांकि कहानी अच्छी ज़रूर है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं वो पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। एक आदमी सच की तलाश के लिए निकल पड़ता है, फिर कुछ देर के बाद उसे एक लड़की मिल जाती है किसी न किसी रूप में, और फिर कुछ सच्चाइयाँ उसके सामने आती हैं, कुछ खुलासे होते हैं जो कि आश्चर्यजनक होते हैं। तो ये बातें पहले भी हम कई बार देख चुके हैं। हालाँकि इस तरह के कंटेंट को पसंद बहुत किया जाता है, लेकिन यहाँ जो सीरीज़ हमारे सामने पेश की गई उसमें ऐसी बात नहीं रही। दोस्तों यहाँ कहानी में जो भी पोटेंशियल था उसको सुस्त स्क्रीन प्ले और औसत दर्जे के डायरेक्शन ने बिल्कुल ही बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों ये सीरीज़ काफ़ी स्लो है और यहाँ थ्रिल तो बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सुविधानुसार बना दिए गए। वॉन्चाई एक रेस्क्यू टीम में शामिल हो जाता है और इस सीरीज़ की शुरुआत में बहुत सारा हिस्सा यही दिखता रहता है कि कोई मुसीबत आ गई है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच में जो मूल कहानी है वो कहीं गुम हो जाती है। दोस्तों यहाँ कैरेक्टर्स भी कोई बहुत दमदार नहीं है। यहाँ हीरो से ज़्यादा मुझे पसंद आया एक विलन का कैरेक्टर, जो यहाँ अतरंगी वेशभूषा वाला जो विलन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अगर तकनीकी पहलू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ सिनेमेटोग्राफी आपको अच्छी दिखती है, CGI आपको ठीक ठाक दिखता है। शुरुआत में ही एक एक्सीडेंट का दृश्य है, वो दृश्य काफ़ी बेहतर तरीके से पेश किया गया है। दूसरे तकनीकी पहलू भी ठीक ठाक ही कहे जा सकते हैं। तो 6 एपिसोड हैं दोस्तों यहाँ, लेकिन एपिसोड लंबे हैं, 1 घंटे के करीब के, और यहाँ वैसे तो ये सीरीज़ साफ सुथरी ही है, लेकिन एक जगह यहाँ सेक्स का सीन है और गाली गलौज भी है, तो परिवार बच्चों के साथ देखने से बचना ही चाहिए। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है मेरी नज़र में एक औसत दर्जे की ही सीरीज़ है, इसीलिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।